नमस्कार दोस्तों, मज़ेदार पहली में आपका स्वागत है। केविन तीन रूममेट सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत महंगी घड़ी दी थी। घड़ी को देखकर तीनों दोस्तों को बहुत ईर्ष्या होती है। केविन ने अपनी घड़ी अलमारी के ऊपर रख दी थी और वह सोने चला जाता है। 2:10 के आसपास सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया और 2:30 को ओलिवर ने उसके कमरे का दौरा किया और 3 बजे ओलिव उसके कमरे में जाता है। केविन 4 बजे उठता है और वह अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी को नहीं पाता है। बहुत ढूंढने के बाद वह देखता है उसकी घड़ी डस्टबिन में टूटी हुई पड़ी है। उसने अपने दोस्तों से पूछताछ की और सब ने दावा किया कि वह निर्दोष हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ी है इनमें से? आपके ऑप्शन है सैम, ओलिवर या टॉम। आप अपना आंसर मुझे कमेंट में भी भेज सकते हैं। अगर आप घड़ी को देखेंगे तो उसमें 2:35 का टाइम है। इसका मतलब यह घड़ी ओलिवर ने तोड़ी है, क्योंकि उसकी एंट्री उस रूम में 2:30 पर हुई थी और 2:35 पर घड़ी टूटी हुई पाई गई है। थैंक यू।